नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा थार की नई जनरेशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। महिंद्रा की नई जनरेशन वाली थार भारत में लॉन्च के लिए तैयार है। इसका काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा है। रिपोर्ट की माने तो कंपनी अपनी 2020 थार को 15 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। हालांकि यह अभी साफ़ नहीं है कि कंपनी इसकी कीमत का खुलासा करेगी या नहीं। बता दें कि महिंद्रा नए BS6 नॉर्म के कारण अपनी मौजूदा थार के मॉडल में भारत में बिक्री नहीं कर रही है। इसके मॉडल को टेस्टिंग के दौरान फिर से सड़कों पर देखा गया है। हालाँकि महिंद्रा की नई थार तस्वीर में ढकी हुई नज़र आ रही है। तस्वीर को देखने पर यह कहा जा सकता है कि नई थार पुराने वर्जन के मुकाबले ज़्यादा बड़ी होगी। इसमें मौजूदा मॉडल जैसा ही डिज़ाइन पैटर्न मिलेगा। हालांकि इसका स्टांस और भी बोल्ड हो गया है। स्पाई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कार में फ्लैट बोनट लीड और स्लेटेड ग्रिल डिज़ाइन दी गई है। इसके अलावा इसमें राउंड हेडलैम्प दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें नया केबिन भी आपको मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा अपनी 2020 थार को दो मॉडल में लॉन्च कर सकती है। नई थार कंपनी के नए प्लेटफॉर्म पर काम करेगी। इसमें हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप शामिल होगा। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, क्रूज कंट्रोल सिस्टम और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा। नई महिंद्रा थार में परफॉर्मेंस की बात करें तो पावर के लिए इसमें 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलेगा। इसका इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस होगा। 4x2 और 4x4 दोनों ही वर्जन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे एमस्टेलियन 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ भी लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी 15 अगस्त को महिंद्रा थार को पेश करने के बाद कंपनी इसकी बिक्री सितंबर से शुरू कर सकती है। भारतीय बाज़ार में इसकी कीमत करीब 13 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमने जो भी वीडियो में इंफॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका हमारे चैनल या वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।